हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले तो चैनल को मारो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, क्योंकि आज बताने वाला हूँ बड़ी गजब की मजे की बात। देखो, इस समय चल रहा हूँ मैं यमुना एक्सप्रेसवे पर, है ना। भीड़ अच्छी खासी आपको दिख रही होगी, आगे गाड़ियां जितनी जा रही हैं इतनी आमतौर पर जाती नहीं, क्योंकि आज थोड़ा दिक्कत हो गई थी, एक्सप्रेसवे कुछ देर के लिए बंद था। इसके बीच में आपको दिखाता हूँ वरना के क्रूज कंट्रोल के फायदे। यहाँ पर आप देख रहे हो एक क्रूज लिखा हुआ है, ये है ना। तो वरना में मैंने इस समय क्रूज कंट्रोल अपना ऑन कर रखा है। 85 की स्पीड मैंने इसकी फिक्स करके रखी है, 85 की स्पीड में लगातार चल रही है, 100 की स्पीड तक हमको परमिट है इस पर चलने की। आज भीड़ थोड़ी ज्यादा है, नहीं तो 90 या 95 पर भी इसको सेट करके आप आराम से मौज से चल सकते हो। ना तो मैंने क्लच दबाया है, ना तो एक्सीलेटर दबाया है, यहाँ आप देख सकते हो मेरे पैर, है ना। आराम से बैठिए मौज से, केवल स्टीयरिंग थोड़ी थोड़ी हिलाते रहिए। ओवरटेक के समय दाहिने लेन में जाइए, फिर बाएं में आइए, कोई ब्रेकिंग नहीं। और अगर आप बीच में चाहते हैं कि बढ़ाना है तो यहाँ से आपको पॉइंट दिया गया है, आप जितनी बार इसको प्रेस करोगे एक एक की स्पीड बढ़ती जाएगी, लॉन्ग प्रेस करोगे तो 10-10 की स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना। तो 85 मेरे लिए अभी एकदम सही लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे होगे काफ़ी भरपूर भीड़ है एक्सप्रेसवे पर। तो क्रूज कंट्रोल के ये फायदे होते हैं। लोग कहते हैं ना, अरे सर भीड़ में कैसे करेंगे कैसे करेंगे। जब भी आप लॉन्ग रूट पर जाओगे, और इसके फायदे देखिए, गाड़ी एवरेज जो दिखा रही है 25.9 का दिखा रही है। मैं 611 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ और 25.9 का एवरेज दिखा रही है ना। 25.9 तो 24 का तो दे रही होगी, है ना, लगभग मिलता जुलता देती है, क्योंकि बहुत लंबा एक्सपीरियंस है मेरा वरना पे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके क्रूज कंट्रोल के मजे। लगा दीजिए, गाड़ी एकदम सेम स्पीड में बराबर चलती रहेगी, इसकी वजह से आपके इंजन पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, आपका एवरेज भी अच्छा निकलेगा, आपको थकान भी नहीं महसूस होगी, है ना। तो एक्सप्रेसवेज और हाईवेज पर इसका मस्त यूज कीजिए, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि नींद आ जाए आपको, सो जाइए इसको यूज करते समय, है ना। ऑन करो, पता लगा सो गए तो ये गलत बात है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर ठोक देना,